भारत चीन सीमा क्षेत्र के मौजूद हालात पर चर्चा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 जून को बुलाई संवैधानिक बैठक। पूर्वी लद्दाख में बीते सोमवार की रात भारतीय सेना के जवान की चीन सेना के जवान के साथ हाथापाई हो गई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिससे पहले की सीमा पर चल रहे तनाव को नाजुक स्थिति मिले। इसके लिए मोदी जी ने एक संवैधानिक बैठक को आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शाम 5 बजे बुलाई गई इस मीटिंग में आगे की परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पीएम ने झड़प की पुष्टि होने के बाद मंगलवार देर रात तक देश के सर्वोच्च नेतृत्व और प्रमुख सेनापति के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और थल सेना प्रमुख जनरल MM नावड़े के साथ देर रात 10 बजे तक मुलाकात की। बता दें कि सोमवार की रात में पूर्व लद्दाख की गलावान घाटी में भारतीय सेना और चीन सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान के शव मिले। न्यूज़ एजेंसी AINI में 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। न्यूज़ एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि भारतीय सेना और चीन सेना की झड़प के बीच 43 चीनी सेना के मारे जाने की खबर आई है। यह गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने अपने जरिए से कोई भी जानकारी नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने सीमा पर हुई इस झड़प के पीछे चीन को जिम्मेदार बताया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।